अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एमटेक के छात्र को जबरन अपने साथ ले जाकर बंधक बनाकर 50,000 रुपए की अड़ीबाजी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से वारदात में इस्तेमाल कट्टा कारतूस और चाकू समेत नकदी रुपए जब्त किए गए। आरोपियों के खिलाफ पूर्व से शहर के विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार मूलतः बिहार निवासी सरवरे आजम अशोका गार्डन में रहता है और एमटेक की पढ़ाई कर रहा है। उसने 29 मार्च को 3 लोगों के खिलाफ बंधक बनाकर अड़ीबाजी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि 2 युवक उसे बाइक पर बिठाकर खानुगांव लेकर पहुंचे और कमरे में बंधक बनाकर 25,000 रुपए पेटीएम से अकाउंट में ट्रांसफर करवाए और 25,000 रुपए एटीएम के माध्यम से निकलवा लिए थे। पुलिस ने जांच के दौरान संदेही राजा उर्फ अरबाज निवासी नवाब कॉलोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात को अंजाम देना स्वीकार लिया। उसके पास से 4,000 रुपए की नकदी और वारदात में प्रयुक्त कट्टा और कारतूस जब्त हुआ। राजा से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके साथियों अमन खान निवासी कबीरपुरा और आदिल बच्चा निवासी करबला रोड को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 6,000 रुपए, मोबाइल और एक छुरी जब्त की। इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। जांच यह बात सामने आई कि सरवरे आजम ने बिहार के ही किसी छात्र से भोपाल में एडमिशन नाम 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन एडमिशन नहीं होने पर उसने रुपए वापस नहीं लौटाए। परेशान होकर छात्र ने रुपए दिलवाने के लिए भोपाल में रहने वाले एक युवक को कहा था। उक्त युवक ने अपने साथियों से चर्चा की। उसके बाद घटना वाले दिन 2 आरोपी सरवरे को उसी की बाइक से जबरन अपने साथ ले गए और बंधक बनाकर 50,000 रुपए ले लिए।